हाँ, यह सच है कि जीवन बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारा है। परंतु यह प्यारा तब है, यह सुंदर तब है, यह अद्भुत तब है जब हम इसे वैसा बनाएं। हम जब उन अमूल रत्नों को एकत्रित करें, यदि मैं यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि जीवन एक गुलदस्ता जैसा है और उस गुलदस्ते में हमें अलग अलग प्रकार के गुण रूपी पुष्पों को एकत्रित करना होता है। और जब एक एक करके गुण रूपी पुष्प एकत्रित किए जाएंगे तब वह सुंदर गुलदस्ता तैयार होता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाते हैं। यदि हम उसमें सुंदर गुणों को समाहित करेंगे, सुंदर गुणों को एकत्रित करेंगे, तभी वह सुंदर होगा। कह देने भर से कुछ नहीं होगा, बल्कि करना पड़ेगा, हमें सिद्ध करना पड़ेगा। और यह तभी होगा जब एक एक करके हम गुणों को समाहित करेंगे और वही एक एक गुण हमारे जीवन के इस गुलदस्ते को सुंदर बनाएंगे। अब यह सवाल महत्वपूर्ण है कि वे कौन कौन से गुण रूपी गुलदस्ते हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बनाएंगे, अद्भुत बनाएंगे। और यदि हम इन्हें नहीं एकत्रित कर पाए, यदि हम इन्हें संभाल ना पाए, यदि हम इन्हें अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में समाहित न कर पाए, तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इसका कोई भी महत्व तो नहीं निकलेगा, इसकी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। और वे गुण कौन से हैं? मैं अपने कुछ जीवन के 7 सिद्धांतों को मानता हूं, उन्हीं पर चलने की कोशिश करता हूं और जिन पर चलने की कोशिश करता हूं उन्हीं को औरों के लिए निर्देशित भी करता हूं। 7 महत्वपूर्ण सिद्धांत अपने जीवन के मैं निभाने की कोशिश करता हूं। हम सबको निभाना चाहिए और यदि इन 7 सिद्धांतों को हम निभा लेते हैं, इन गुणों को अपने जीवन में समाहित कर लेते हैं, तो हमारा जीवन अद्भुत होगा, सुंदरता की वह पराकाष्ठा होगी जिसकी हम अपेक्षा और कल्पना करते हैं। अब वे 7 गुण कौन से हैं, 7 सिद्धांत कौन से हैं, आइए एक एक कर उल्लेखित करते हैं। यद्यपि कि यदि और लंबी लिस्ट बनाई जाए तो उन्हें उल्लेखित करना आसान नहीं, असंभव जैसा है, परंतु सामान्य तौर पर मोटे मोटे शब्दों में यदि हम बात करें तो सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, ये 7 जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं, गुण रूपी सुंदर पुष्प जिन्हें हम एकत्रित करके अपने जीवन को सुंदर और अद्भुत बना सकते हैं। जहां सत्य होगा, स्वाभाविक रूप से वहां सुंदरता होगी। जहां न्याय होगा और धर्म होगा, सुंदरता स्वयं उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से इन 7 सिद्धांतों को जब हम अपने जीवन में समाहित कर लें, समाहित करने का अर्थ हम इन्हें अपने जीवन में घटित कर लें, जीवन इन्हीं के ऊपर आधारित कर लें और क्षण प्रतिक्षण इनको निभाने की कोशिश करें, हम स्वयं ही इस जीवन रूपी गुलदस्ते को सुंदर बना लेंगे, निश्चित ही बनेगा। और यही एकत्रित करने की प्रक्रिया ही तो, यही इन गुलदस्तों को एकत्रित करने की प्रक्रिया हमें औरों से अलग करेगी और लोगों के जीवन से हमारे जीवन को सुंदर बनाएगी। यद्यपि कि यह प्रक्रिया धीमी है, यद्यपि कि इन राहों पर बाधाएं आती हैं और निश्चित ही आती हैं,
आएंगी, पर हमें धैर्य रखना पड़ेगा। ये कुछ समय का कार्य नहीं है, बल्कि वर्षों का कार्य है। और हमें इसलिए धैर्य रखना होगा। यदि हम धैर्य रख पाए और धीरे धीरे इन्हें संचित करते रहे, संचय करते रहे इनका, तो निश्चित ही हमारा जीवन गुलदस्ते जैसा सुंदर, पुष्प जैसा सुंदर और अद्भुत होगा, मैं समझता हूं, मैं मानता हूं कि शत प्रतिशत इन सिद्धांतों को निभाना मुश्किल है, पर हम प्रयास भर तो कर सकते हैं। जब प्रयास करेंगे तो सफलता भी मिलने की संभावनाएं बढ़ ही जाती हैं और निश्चित ही बढ़ेंगी।